लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद से ही लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और ये हलचल तेज होने का कारण ये है क्योंकि ना ही एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक इस बार दोनों ही गठबंधनों ने इस बार बहुमत से जीत हासिल नहीं कर सकी है। ना ही आपको बता दें कि 2019 के आंकड़ों को कहीं ना कहीं एनडीए पार कर पाई और ना ही इस बार जीत दर्ज कर पाई। हालांकि एनडीए जीत के भी कहीं ना कहीं दुखी है और इंडिया ब्लॉक हार के भी कहीं ना कहीं जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन इसी बीच एनडीए के लिए एनडीए की सरकार भले ही बन गई हो लेकिन बिहार में राजनीति जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं वही नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। उन्हीं नीतीश कुमार पर लगातार कयासों का दौर तेज है कि नीतीश कुमार अब कभी भी किसी भी वक्त पलट सकते हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार सच में पलटेंगे। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और छोड़ने की तैयारी में वो केंद्र में बड़ा पद कहीं ना कहीं मांग रहे हैं और केंद्र में अगर आप देखें नीतीश कुमार को बड़ा पद मिल जाता है, उन्हें मंत्रालय अगर एनडीए की सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा सौंप दिए जाते हैं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। और लल्लन सिंह जिनके नाम पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जहां एक और लल्लन सिंह को तैयार कर रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए, वहीं भीतर घात करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें नीतीश कुमार की लालू और तेजस्वी यादव के संग एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के तहत कहीं ना कहीं आने वाले समय में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है वो इंडिया ब्लॉक में शामिल होते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज शाम प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बतौर पीएम शपथ लेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो सरकार एनडीए की देश में गिर सकती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।